प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको निर्गुण शाखा के कवि कबीरदास जी का जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इनका जीवन परिचय बड़ा रोमांचक है और पढ़ने बड़ा अच्छा आता है। अगर बस समझ लिया आप तो उसे अपने जीवन भर याद करेंगे, फिर भूलेंगे नहीं। प्यारे बच्चों, देखिए संत शिरोमणि कबीरदास जी का जन्म, संत शिरोमणि कबीरदास जी का जन्म 1398 में वाराणसी के लहतारा के बौलिया नामक जगह में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू था, माता का नाम नीमा था। इनके माता पिता जुलाहा थे भाई, और वह सिंगा का सामान सर पर लेकर ढोकर बेचते थे। और इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था, और इनके एक पुत्र था, एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। और प्यारे बच्चों, इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था, जो अपने गुरु की बात मानकर हर क्षेत्र में इन्होंने अपने दोहे को दिखाया है। और प्यारे बच्चों, बता चाहता हूँ कि संत शिरोमणि निर्गुण शाखा के कवि, इनको कबीर साहब भी कहा जाता है, इनकी शाखाएं तमाम हैं। इनकी रचनाएं आपके बीजक साखी शबद रमायणी, बीजक में तमाम रचना देखेंगे लिखा गया, उनका तमाम दोहा लिखा गया। प्यारे बच्चों, बीजक साखी शबद रमायणी चार रचनाएं क्या यह है, कहीं भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि कबीरदास जी कहीं भी जाते थे तो अपने दोहे से सबको गुणगान से खुश कर देते थे। और कबीरदास जी ने, जैसे क्योंकि मैं एक आप लोग को दोहा सुनाने जा रहा हूं, थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। बोली एक अनमोल है जो को बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुखबा हर आनी, आज करे सो काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी कर तो जीना है कई वर्षों, ए कबीरा जीना है कई वर्षों। दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चक्की कोई न पूजे, जे करया टापी सा खाए, कबीरा जिसका या टापी सा खाए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिली या को, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न को कबीरा, मुझसे बुरा न को। प्यारे बच्चों, इनका दोहा है बड़ा ही सुंदर है। और इनकी मृत्यु मगहर काशी में 1518 में हो गया था। और इनके शिष्य, इनके गुरुजी रामानंद ने अच्छी शिक्षा दीक्षा दिया, और यह संत शिरोमणि के नाम से जाने जाते, पेपर में अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। और अगर आपको हमारे चैनल समझ में आया बेटा प्यारे बच्चों, तब इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अगले वीडियो में आपको मैं फिर कोई कवि का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगा।